हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी बॉल्स या अप्पम। इसके लिए लिया है मैंने 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 शिमला मिर्च जिसे बारीक कट कर लिया है और 2 टमाटर जिसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। मसाले में हमें चाहिए 4 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला और कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम दही, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सारे मसाले, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा है इसलिए इसमें हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर बनकर तैयार है, इसे हम 1/2 घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब अप्पम का बर्तन गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ऑयल और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। हम थोड़ी सी ऑयल डालेंगे इसके साइड में। अब इसे हम हल्के हाथों से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी सेक लेंगे। अब इसे हम टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। अगर आपको लगती है कि इसमें ऑयल थोड़ी कम है तो आप 1/2 चम्मच ऑयल इसमें और डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड अब इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये बनकर तैयार है, इसे हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। धनिया चटनी के रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। हमारी सूजी बॉल या अप्पम बनकर तैयार है, इसे हमने सर्व कर लिया है। आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।